तो किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों की कमी हमें तब ही महसूस होती है जब वो हमारे पास नहीं होती, जब वो हमारे हाथ से निकल जाती है, तब ही हमें समझ में आता है कि उस इंसान की या उस चीज की असल कीमत क्या थी। अब ये तो सभी जानते हैं कि हाल ही में ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई और पूरे दुनिया भर में चाहे कोई ऋषभ पंत का फैन था या ऋषभ पंत का हेटर था, सभी प्रार्थनाएं करने लगे कि कुछ भी हो बस ऋषभ पंत के साथ कुछ बुरा ना हो। अच्छी बात ये रही कि लोगों की प्रार्थनाएं, लोगों की दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली और ऋषभ पंत किसी खतरे में नहीं गए। लेकिन एक सच ये भी है कि इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट एक बड़े खतरे में जरूर है। हाँ, माना कि पिछले कुछ वक्त में चारों तरफ से ये आवाजें गूंजी जा रही थी कि ऋषभ पंत को टीम से बाहर करो, ऋषभ पंत बस टीम पे बोझ बना हुआ है और इंडियन क्रिकेट को ऋषभ पंत की जरूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने वापस से पूरे देश को बताया कि तुम्हें मेरी जरूरत है, बस तुमको पता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पूरे देश ने एक्सेप्ट भी किया कि टेस्ट क्रिकेट में तो ऋषभ पंत की जरूरत है ही, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन इसी के साथ एक सच ये भी है कि असल ऋषभ पंत की जरूरत तो अब पड़ने वाली थी, असल ऋषभ पंत का जो काम था वो अब शुरू होने वाला था। 9 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और ये सीरीज कोई आम सीरीज नहीं होने वाली थी। ये सीरीज असल में डिसाइड करने वाली थी कि क्या भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो उसे इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 2 मैच तो हराने ही थे। और जैसा कि हम सभी इस वक्त के इंडियन क्रिकेट के हालातों से वाकिफ हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ही हैं जो टेस्ट टीम में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसपे आप आंख बंद करके दाव लगा सकते हैं कि यह जरूरत पड़ने पर चलेगा ही चलेगा। पर अभी असल सत्य यह है कि उन 2 भरोसे वाले लोगों में से बस एक ही भरोसे वाला बचा है, श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत से हमारा भरोसा नहीं गया है, लेकिन ऋषभ पंत आने वाले 1.5-2 साल तक क्रिकेट से दूर जरूर चले गए हैं। जिस तरीके की ऋषभ पंत की इंजरी सामने आ रही है उसे देख के डॉक्टरों का भी यही कहना है कि कम से कम 1.5-2 साल तक ऋषभ पंत अब बल्ला नहीं उठा पाएंगे। अब ये देख के मैं यही कहना चाहूंगा कि खुश हो गए वो लोग जो कह रहे थे कि ऋषभ पंत टीम पे बस एक बोझ है, खुश हो गए वो लोग जो कह रहे थे कि ऋषभ पंत को हमेशा के लिए टीम से बाहर कर देना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आएगा कि ऋषभ पंत की असल कीमत क्या थी, अब तुम्हें समझ में आएगा कि ऋषभ पंत के बिना टेस्ट क्रिकेट कैसे सफर करेगा। हाँ, मैं जानता हूं कि इस समय तुम भी ऋषभ पंत की फास्ट रिकवरी की प्रार्थना कर रहे होगे, लेकिन तुम ही थे जो ये कह रहे थे कि ऋषभ पंत की क्रिकेट को जरूरत नहीं है, ऋषभ पंत बस टीम पे बोझ बना हुआ है, ऋषभ पंत बस लोगों की जगह लेता है। लो, ऋषभ पंत ने जगह खाली कर दी, अब तुम खुश हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला हूं, मैं ही था जो ये कहने में लगा था कि T20 क्रिकेट से ऋषभ पंत को रेस्ट दे देना चाहिए या बाहर कर देना चाहिए। मैं ही था जो ये कहने में लगा था अगर वनडे में भी ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत किसी डिजर्विंग प्लेयर की जगह घेर रहे हैं तो उनकी जगह किसी और को मौका देके जरूर देखना चाहिए। लेकिन मैं ही था जो ये भी कहने में लगा था कि टेस्ट क्रिकेट में अगले 10 साल तक मुझे ऋषभ पंत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मैं केएल राहुल से पहले ऋषभ पंत को कैप्टन देख लूंगा, किसी और को शायद ना देखूं। इवन मैं ही था जो ये भी कह रहा था कि भले ही वनडे से उनको ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन स्टिल उनके नाम को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि वनडे में वो रिटर्न कर सकते हैं, वनडे में वो जरूरत पड़ने पे काम आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कल के दिन देखा कि ये सारी उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। ऋषभ पंत अब आपको ना आईपीएल 2023 में देखने को मिलेंगे, ऋषभ पंत अब आपको ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे, ऋषभ पंत अब आपको ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखने को मिलेंगे और ऋषभ पंत ना आपको अब वर्ल्ड कप 2023 में देखने को मिलेंगे। स्टिल इन सारी दुख भरी खबरों के बीच में एक चीज है जो बहुत ज्यादा दिल को खुशी देती है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ खराब हो गया, इतना कुछ बुरा हो गया, इसमें खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि ऋषभ पंत को कुछ नहीं हुआ, खुशी की बात यह है कि ऋषभ पंत ठीक है, खुशी की बात यह है कि भले ही वो
वो 2-3 साल तक शायद क्रिकेट में देखने को ना भी मिले, लेकिन उसके बाद वो जरूर देखने को मिलेंगे। खुशी की बात ये भी है कि जिन हालातों में ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, उन हालातों में बड़े बड़े सूरमा नहीं बच पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का तो हाथ उनके ऊपर था कि ऋषभ पंत को कुछ नहीं हुआ। किसी की तो प्रार्थनाएं काम कर रही थी कि ऋषभ पंत को कुछ नहीं हुआ, और किसी की तो दुआएं हैं जो लगी हैं जो ऋषभ पंत को कुछ नहीं हुआ। और ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये जो दुआएं हैं, ये भी आप लोगों की ही हैं। और क्यों ना हो, भले ही ऋषभ पंत के पिछले 1-2-3 महीने अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने सच में इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है भाई। उसने गाबा में जो घमंड तोड़ा था ना, आज तक कोई सूरमा किसी भी देश का, पूरी दुनिया में ऐसा एक भी सूरमा पैदा नहीं हुआ जो उस तरीके से घमंड को तोड़ पाए जैसे ऋषभ पंत ने तोड़ा था। और देखो, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। अगर आपने उन एक्सीडेंट की फुटेजेस को देखा होगा, अगर आपने उस जलती हुई गाड़ी को देखा होगा, अगर आपने ऋषभ पंत की जो हल्की फुल्की फुटेजेस सामने आई है, अगर उनको आपने देखा होगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से लगा ही होगा कि यार इन हालातों से ये बंदा बाहर आ कैसे गया। तो जैसा मैंने कहा कि वो बाहर आया नहीं है, उसको बाहर निकाला गया है। किसने? आपकी दुआओं ने, आपकी प्रार्थनाओं ने। हाँ, माना कि हर किसी के साथ उसके घर वालों की दुआएं होती ही होती हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, घर वालों की जो प्रार्थनाएं हैं वो साथ चलती ही चलती हैं। लेकिन जिन हालातों में ऋषभ पंत थे, इन हालातों में तो घर वालों की दुआएं भी एक्सपायर हो जाती हैं, और ऐसे हालातों से बस वो ही निकल पाते हैं जिनके ऊपर पूरे देश की दुआएं होती हैं, जिनके ऊपर पूरे देश का हाथ होता है। और जो ऋषभ पंत हैं, वो सिर्फ अपनी माँ के बेटे नहीं हैं, बल्कि देश के बेटे हैं। और आखिर ऋषभ पंत के साथ कुछ गलत कैसे हो जाता? जिस बंदे ने इतनी बार देश को मुसीबत से निकाला है, आज बारी थी कि देश उसको मुसीबतों से निकाले। तो फिलहाल हम दोनों हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि इस समय ऋषभ पंत जहां भी हो, जैसे भी हो, बस सुरक्षित हो, जल्द से जल्द वो रिकवर हो, और उसके बाद चाहे नीली जर्सी में, चाहे सफेद जर्सी में, चाहे किसी भी लीग में, चाहे किसी भी कप में, चाहे किसी भी सीरीज में दिखें, लेकिन बस दिखें। हम यही चाहते हैं, हम वापस से चाहते हैं कि वो जब पिच पे आए तो सामने वाले बॉलरों की फटे कि इसको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया है तो ये खेलेगा तो अपना खेल ही। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों के कानों तक जैसी ये खबर पहुंची थी तो आप लोग का हाल कैसा था, आपका दिल क्या कह रहा था? जो भी वीडियो देख रहा है भाई, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गेट वेल सून ऋषभ पंत। जय हिंद, धन्यवाद।